हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर की, जो काफ़ी दिनों से निकल गया है। इसे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो आप वहां पर भी जाकर इसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या है 2024 में परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर निम्नवत है। अगर बात करें APA की यानी अपर निजी सचिव की, तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड यहाँ पर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आपको इसका मेंस कब है तो याद रखिएगा। यही एग्ज़ाम था जो एग्ज़ाम किसी भी तरह से यहाँ पर रुका नहीं और इसका प्री हो चुका था, बट मेंस इसका कब है तो आपका 28/6 यानी जून में ही आपका इसका मेंस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपर सहायक नियोजक यानी प्रारंभिक परीक्षा 2023 तो कब है, रविवार को है तो कब है तो 23/6 तक है, ठीक है। ये सभी परीक्षाएं कब है, 24 में ही है, तो यहाँ पर 24 ना कह के 23/6 यानी 23 जून को है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आरक्षित की अगर बात करें, स्टाफ नर्स यहाँ पे एलोपैथी और पुरुष और महिला वाली परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा कब है तो 28/7 को है, जो रविवार को है, मोस्टली रविवार को है, बट जो है यहाँ पे APA का जो हैंड राइटिंग यानी टेस्ट है वो कब है, वो 28/6 को है यानी शुक्रवार को है, याद रखिएगा। सबसे पहले यही आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं अगर बात की जाए सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये 28/8 है। नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा अधिकारी और होम्योपैथिक तथा आवासीय चिकित्सा अधिकारी और स्क्रीनिंग परीक्षा जो भी है वो कब है, तो यहाँ पे ये 25/8 को है। स्टाफ नर्स वाली जो परीक्षा वो कब है, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक, तो ये है 8/9 को है, याद रखिएगा, 8 सितंबर को है। सहायक नगर नियोजक की अगर बात की जाए उसकी मुख्य परीक्षा कब है, तो ये 15/9 को है, लेकिन लगातार तिथि आपको नजर आ रही है और इसमें LTE की कोई भी तिथि नहीं है, याद रखिएगा, GIC की भी कोई भी तिथि नहीं है अभी तक। चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे है यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा कब है, तो वो 6/10 को है, ठीक है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया। और अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले उनका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम UPPGS तो वो कब है, तो याद रखेंगे वो आने वाला है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा यानी अध्यापन का कब है, तो यहाँ पे वो परीक्षा है 20/10 की और जो कब का फॉरम है 2021 का है, तो ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए सम्मिलित राज्य या प्रभार अधीनस्थ सेवा की, ये है आपका PSA, तो यह है 27 अक्टूबर का, ठीक है, याद रखिएगा। PCS कब का है तो 27 अक्टूबर है, ये क्या है इसका, ये इस बार इसका प्री होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा, तो वो क्या है, वो 17/11 को है और ये आरक्षित, ये आरक्षित, देखिए कौन सी तिथि आरक्षित है, इसमें लगभग देखिए आरक्षित ये है, तो इसको आपका क्या हो सकता है, इसको आपका LTE और GIC का जो भी है नोटिफिकेशन रह सकता है, और इसको हो सकता है जो आरक्षित है और इसको भी हो सकता है। आरक्षित का मतलब है कि जो आयोग के अंडर एग्जाम आते हैं उन्हें वो इस आरक्षित तिथि में करा सकता है। अब बात करते हैं सहायक समीक्षा या समीक्षा अधिकारी का प्री एग्जाम सबसे लास्ट में गया, वो कब है, 2/22/12 को है, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए क्योंकि अब UP में भी बाहर आने वाली है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।